खबर बिहार के पूर्वी चंपारण से है, जहां जन स्वराज अभियान के संस्थापक सोशलिस्ट प्रशांत किशोर ने केसरिया प्रखंड अंतर्गत उर्दू विद्यालय बैरिया के प्रांगण में शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पदयात्रा के 3 मुख्य लक्ष्य हैं, जिसमें जमीनी स्तर पर सही लोगों की पहचान करना और उन्हें एक लोकतांत्रिक मंच पर लाना शामिल है। यह यात्रा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के विचारों को शामिल करके राज्य के लिए एक विजन दस्तावेज बनाने का काम करेगी। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए हमारे संवाददाता अशरफ आलम केसरिया के साथ। किस दृष्टिकोण से देखते हैं, क्या है इसमें? देखिए, शराबबंदी को लेकर जिस दिन से मैं बिहार में आया हूँ, बिना कॉमा फुल स्टॉप के, मैं एकदम इन्हीं शब्दों में रिपीट कर दे रहा हूँ, उसी दिन से कह रहा हूँ, शराबबंदी पूरी तरीके से फेल है और इसको हटाया जाना चाहिए। भाजपा की तरह ये नहीं कि फेल है, लागू होता तो अच्छा होता, मैं कह रहा हूँ ये लागू हो ही नहीं सकता, इसको हटाइए। शराबबंदी रह होने से बिहार का बहुत बड़ा नुकसान है ये, क्योंकि ये जमीन पर लागू है नहीं। शराब के दुकान खाली बंद कर दिए गए, होम डिलीवरी घर घर हो रही है, वही 100 रुपए की शराब 1000 रुपए, चाहे 200, 300, 400 में मिल रही है। शराब पीने की जो गलत से जो गलती की जो बात होती है, वो तो समाज में व्याप्त ही है। बिहार सरकार का उससे 20,000 करोड़ रुपए का सालाना राजस्व का नुकसान हो रहा है, पैसा जा रहा है शराब माफिया और पुलिस वालों के पास। आप पिछले 4-5 सालों में बिहार में जितने जमीन खरीदे गए, जितने भी रियल एस्टेट के ट्रांजेक्शन हुए हैं, जाकर जरा देखिए कि वो लोग कौन लोग हैं जो खरीद रहे हैं। इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताया, समाज को इसके प्रति जागृत करने की बात कही। गांधी जी ने सरकार लेड शराबबंदी की बात, कि सरकार को कानून बनाकर शराब पर रोक लगाना चाहिए, इसकी बात कही नहीं कही है। ये सिंबल पर जो हालात यहाँ 2002-03 में राजद के खिलाफ था, वही हालात करीब करीब आज जदयू की है। मैं जब पैदल चल रहा हूँ, सबसे बड़ी संख्या में आकर जो लोग मिलते हैं वो जदयू के, भैया जान बचाइए, क्योंकि समाज में तीर छाप पर बटन दबाने वाले लोग बहुत कम रह जाएंगे, आप देखिएगा जब अगला चुनाव होगा। ये इतना ज्यादा गुस्सा है। और अभी नीतीश जी आ रहे हैं, मुझे किसी ने बताया कि कोई यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो एक तो खुशी ये है कि चलिए कम से कम जमीन पर लोग उतर तो रहे हैं, लेकिन नीतीश जी तो अपने तरीके से यात्रा करते ही। अरे भैया, मैंने ये कहा, अरे बोल ही रहा हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में पीसी लिया जा रहा है, उसका दर है 40 रुपए प्रति क्विंटल। वो पैसा बांटा जा रहा है जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच में, बट रहा है जन प्रतिनिधियों में MLA इंक्लूडेड, चीज की नहीं है, ठीक है ना? सही, मतलब बेसिक जो प्रेमाइस है कि एक आदमी ईमानदार है, एक चोर है। आप चोरों का संगठन बनाइएगा तो चोरी होगा, ईमानदारों का संगठन बनाइएगा तो ईमानदार नहीं। सर, एक सवाल, सर आपने कहा कि गारंटी करप्शन है बिहार में, हर चीज में करप्शन है, बट बिहार में आपने कहा कि हमने कंधा लगाया था 6 स्टेट में, आपने 6 स्टेट में कंधा लगाया, आपके कंधा से वो 6 स्टेट में सरकार बना। क्या आपको लगता है कि उन 6 स्टेटों में आपने जहां कंधा लगाया वहां करप्शन नहीं है? मैं कहां कह रहा हूं कि नहीं। तो फिर आपने कंधा किस बेस पे वहां पे लगाया? क्या आपका